नमस्कार, वेलकम टू द शो नोज गे स्टार्स। दोस्तों, आज हमारे साथ है हितिशा, जो बहुत अच्छी स्विमिंग करती हैं। इन्होंने बहुत से कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी लिया है और मेडल भी अपने नाम किए हैं। तो चलिए आज हितिशा से जानते हैं उनकी स्विमिंग जर्नी के बारे में, उनकी नोजगे की जर्नी के बारे में। हितिशा, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। हाउ आर यू? फाइन मैम। आप कौन सी क्लास में हो? मैम फोर्थ। फोर्थ में, और अभी आप स्विमिंग भी करती हो? यस मैम। मेडल भी लेके आई हो? यस मैम। तो आपने अपनी स्विमिंग कब स्टार्ट की थी? मैम, व्हेन आई एम 4-5 इयर्स ओल्ड। 4-5 इयर्स से, और अभी आप 9 इयर्स की हो गई हो, है ना? मतलब 4-5 इयर्स हो गए आपको ये स्विमिंग करते हुए। यस मैम। तो आपकी जो फर्स्ट विनिंग मोमेंट था ना स्विमिंग का, उसके बारे में बताएं। मैम, उस टाइम मेरे को बहुत नर्वस हो रहा था कि मेरे को लग रहा था, मैं मेरे पॉइंट्स काउंट कर रही थी, मेरे को लग रहा था कि जो मेरे साथ में कर रहा है उसके मेरे से ज्यादा है, बट मेरे सब मतलब मेरे उससे बहुत ज्यादा ज्यादा थे। अच्छा, आपको यह था कि कहीं मैं हार ना जाऊं? यस मैम। उसकी स्पीड ज्यादा है ना? यस, उसके राउंड ज्यादा है। तो जब आप स्विमिंग करते हो तो किस पर ध्यान रखते हो, मतलब आपका फोकस किस पर रहता है, जो स्विमिंग टेक्निक है उस पर, या स्पीड पर, या फिर विनिंग मोमेंट पर? मैम, स्पीड पे और विनिंग मोमेंट पे, दोनों में ध्यान रहता है। यस मैम। क्या चलता है माइंड में जब आप एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हो? तो मैम ये चलता है कि बस कम राउंड होएंगे तो हार जाऊंगी, ज्यादा राउंड करने हैं और जितने राउंड बताए उतने करने हैं। स्पीड पे फोकस करना है, स्पीड होनी चाहिए। यस मैम। जब आपकी कोच कौन है? अमित सर आपके कोच हैं। वो जब भी आप स्विमिंग करते हो या फिर जब उन्होंने स्टार्टिंग में आपको स्विमिंग के लिए ट्रेनिंग दी, तो किन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोला आपको? मैम, उन्होंने अपने बैलेंस को ध्यान रखने के लिए बोला, फ्लोटिंग अच्छे से करनी है, लेग्स को अच्छे से चलाना है, हैंड्स को अच्छे से चलाना है, और वॉल के पास ज़्यादा नहीं जाना है, किसी को इधर उधर देखना नहीं है कि वो क्या आप आ गए पीछे, आपको बस अपना मतलब हमें दूसरे पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी स्पीड पे फोकस करना है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। यस मैम। अच्छा, वो आप उस मोमेंट के बारे में बताइए जब आपको फर्स्ट टाइम मेडल मिला था स्विमिंग के अंदर। हुआ बहुत दिनों से था मेडल्स वगैरह का, तो उस टाइम ना मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी कि मुझे स्विमिंग में इतने साल हो गए। यस मैम, प्रैक्टिस से और मेरे को मेडल मिल गया फाइनली। मतलब आपने उससे पहले कितने टाइम तक प्रैक्टिस की होगी जब आपको मेडल मिला होगा? मैम, उससे पहले 2-3 इयर्स। अच्छा, अभी आपको रिसेंटली मेडल मिला है मतलब? यस मैम। गुड। तो अभी आप नेक्स्ट कंपटीशन के लिए क्या प्रिपरेशन कर रही हैं कि मुझे इस तरह से नेक्स्ट कंपटीशन में हिस्सा लेना है और yes, ऐसे ही मेडल लेके आने हैं? मैम, नेक्स्ट समर के लिए अभी से तैयारी है। अभी से तैयारी है। अच्छा, जब आप स्विमिंग नहीं कर पाती हो तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप घर पे करती हो? आपको कुछ एडवाइस किया हुआ है कि इस तरह की एक्सरसाइज आप घर पे करो? यस मैम। अच्छा हितिशा, जब आपने फर्स्ट टाइम स्विमिंग की तो आपने क्या क्या चीज़ें फेस की, किस तरह की प्रॉब्लम फेस की? मैम, सबसे पहले मेरे को इस बात का डर लग रहा था कि मैं डूब ना जाऊँ नीचे। अच्छा, कि जैसे जा रही मैं डूब ना जाऊँ फिर? हाँ, और फिर मेरे को फ्लोटर मिल गया तो फिर मेरा बैलेंस बनने लगा, और बैलेंस का भी डर था कि बैलेंस ना बिगड़ जाए। यस मैम। फिर किसने आपको गाइड किया? मैम, मेरे कोच ने गाइड किया। तो क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने? पहले तो डर लगा ठीक है पानी में ना डूब जाए, लेकिन होता है ना कि हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आंखों में पानी ना चला जाए, हम अपनी आईज ओपन रखें या क्लोज रखें, किस तरह से करें स्विमिंग? मैम, गॉगल्स तो मैंने लगा रखी थी, बट मैम मेरे को ना वो दूसरे से सांस लेने की आदत थी, तो बारी बारी नाक में पानी घुस जा रहा था, इस बात की दिक्कत हो रखी थी। वो प्रॉब्लम पापा ने मेरे को नोज वाला ला के दे दिया कि ये करके कर, फिर मेरी वो खत्म हो गई। और अब किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करती? नो मैम। आपका एम क्या है, क्या बनना है? मैम, आईपीएस। आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो आप फोर्थ में हो तो इतना कैसे पता कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है और इसके लिए इस तरह से तैयारी करनी है? मैम, बिकॉज मेरे दादू भी पुलिस में थे और मेरे को उनसे बहुत मोटिवेट हुआ, तो मेरे को बस एक बार माइंड में सोच लिया कि मेरे को बनना है तो बनना ही है। अच्छा, अभी आप डिसाइड कर रखा है मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है? यस मैम। कुछ और गेम्स वगैरह भी खेलती हो, पार्टिसिपेट करती हो? यस मैम, बैडमिंटन, स्केटिंग कर लेती हूँ। मुझे आप ये बताओ, अपनी आपने नोज़ के स्कूल में एडमिशन कब लिया? मैम, मैम 3 इयर्स पहले। फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, तो आपको दूसरे स्कूल से ये नोज़ के स्कूल डिफर कैसे लगा? मैम, दूसरे स्कूल में फ्रेंड्स तो थे, टीचर्स भी अच्छे थे, बट इसमें मेरे
को ज्यादा ही अच्छे फ्रेंड बन गए। अच्छे टीचर्स भी बहुत अच्छे। अच्छा, आपको नोज़गी स्कूल अच्छा लगता है? यस मैम। क्यों अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? मतलब सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं, फ्रेंड्स भी हेल्प करते हैं, और मज़ा भी आता है। गेम्स पीरियड में भी बहुत मज़ा आता है, मतलब पीटी करके सर बोल देते हैं 5 मिनट है खेल लो, जो करना है कर लो, 5 मिनट करवाते हैं सिर्फ। मतलब फन मस्ती एंड स्टडी है। यस मैम। तो नोज़गी स्कूल आपको अच्छा लगता है? यस मैम। नोज़गी स्कूल से आपको क्या सीखने को मिला? मैम नोज़गी स्कूल से मुझे बहुत सारी गुड वैल्यूज भी सीखने को मिली, एंड मैम अलग अलग टाइप के डांस। एंड मैम इन माय ओल्ड स्कूल वहाँ पे सिर्फ डांस और म्यूजिक होता था, बट यहाँ पे मेरे को न्यू कथक सीखने को मिला। अच्छा, कथक भी सीखती हो? यस मैम। कथक डांस करती हो यहाँ? यस मैम। हर एक इवेंट में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने को मिलता है? यस मैम। तो ये बहुत अच्छी बात है। यस मैम, कि सब बच्चों को मिलता है। सो हितिशा, थैंक यू सो मच, आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, आपने बताया अपनी स्विमिंग जर्नी के बारे में, अपनी नोज़गी की जर्नी के बारे में, और इसी तरह से आप मेडल लाती रहें और एक दिन IPS ऑफिसर बन जाएं। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।